हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो मैं आज लेके आई बहुत ही अच्छी सी रेसिपी, और अभी फ़िलहाल ये मिल रहे हैं सब्ज़ी, तो इसी सब्ज़ी का हमें खाना है। और बहुत कुछ है सब्ज़ी में, तो हमें खाना भी चाहिए। तो सजना फली और आलू की मैं मज़ेदार रेसिपी दिखा रही हूँ, और मैं कैसे बनाती हूँ वैसे फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी होगा। तो चलिए, सजना फली को तो मैंने काट लिया है अच्छे से, आलू को भी काट लिया है, और साथ में हमने क्या किया है कि सरसों का तेल में इस वेजिटेबल को बनाना है। तो हमने कढ़ाई में सरसों का तेल और ज़ीरा और लाल मिर्च दिए थे, सूखे लाल मिर्च, थोड़ा सा जैसे फ्राई हो चुका था, तब हमने सजना फली और आलू डाल दिया। थोड़ा मैं फ्राई कर रही हूँ। अब इसी में जो मसाला पड़ेंगे उसमें बहुत ही अच्छा मसाला पड़ते हैं, और इसमें है राई, जो सरसों है, और है खसखस, और हरी मिर्च मैं दे रही हूँ, और इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। और ये सिलबट्टे में बहुत अच्छी बनती है, इसलिए मैं सिलबट्टे में बना रही हूँ। आप मिक्सी में भी ले सकते हो, लेकिन सिलबट्टे में पिसा हुआ बहुत ही टेस्टी होती है, तो वही मैं ले रही हूँ। और अच्छे से पेस्ट बना लेना है इसको। तो देखिए, हमारा पेस्ट जो है वो बन चुके हैं और बहुत ही लजीज लग रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सजना आलू है वो फ्राई हो चुकी है, और जैसे ही थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट भी होने लगी है, तो मैं इस स्टेज पर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, लेकिन थोड़ा सा कवर कर करके पकाना बहुत ज़रूरी है। तो पानी मैंने डाल दिया है, 2 कप जैसे मैं डालूँगी, ज़्यादा नहीं। और हमें बाद में पानी नहीं चाहिए, ग्रेवी भी नहीं चाहिए, जो साथ में जो एक मिक्स जो मसाला है वो साथ में लगना चाहिए आलू और सजना फली में, ऐसे हमें करना है। तो देखिए, हमारा हाफ डन हो चुका है, फिर भी मैंने थोड़ा सा कवर करके और पका लिया है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे देखिए हमारा सॉफ्ट हो चुका है हल्का सा, तो अब हम स्टेज पर डाल देंगे टमाटर, और 2 टमाटर मैंने लिया है स्लाइस किया हुआ। तो अब हम थोड़ी देर और फिर कवर करके और पका लेंगे, और जो हमारा पानी आपको दिख रहा है जो वो भी थोड़ा सा सूख जाएंगे। इस स्टेज में मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी मैंने पहले ही डाल दिया था, और स्वाद के अनुसार नमक भी मैंने पहले ही डाल दिया था। थोड़ा देर हम इसको पका के अच्छा से, अब मैंने थोड़ा सा दिया है चीनी, और बिल्कुल हाफ टीस्पून का, जो टी स्पून है उसका बिल्कुल हाफ, एकदम आप पिंच हो, आप सोचिए कि 2 पिंच ऐसे कुछ है शुगर, तो हमने डाला टेस्ट के लिए, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो हमने पिसा हुआ मसाला है, खसखस और राई का पेस्ट, इसमें हरी मिर्च भी है। तो अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। मीठा मैंने इसलिए दिया है ताकि जो बैलेंस है वो सब्ज़ी का, जो नमक और तीखा ये सब का बैलेंस एक होता है, और टमाटर खट्टा भी है तो इस वजह से बैलेंस होता है। तो हम थोड़ी देर फिर से कवर करके धीमी आंच पर थोड़ा देर और पकाएंगे, ताकि जो हमने मसाला दिया है वो उसका जो टेस्ट है वो सब्ज़ी में पूरा आ जाए। तो देखिए, अभी पानी थोड़ा सा आपको ग्रेवी लग रही है, लेकिन ये ग्रेवी नहीं रहेगी। और मैं लास्ट में थोड़ा सा मैंने चावल का आटा मिलाया है, ये भी आप स्किप कर सकते हो। तो चावल का आटा मिला के बस ऐसे ही आपका जो पानी आपको दिख रहा हो बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, और बहुत सूखा सूखा एक सब्ज़ी बन जाएंगी। तो आप सब बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, मैं जैसे बनाती हूँ ऐसे। अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कैसे लगी आपको ये सब्ज़ी। और सजना फली तो हर कोई खाते हैं, बहुत रकम के बनते हैं, तो ये एक रकम का है और ये बंगाली स्टाइल का है। तो आई होप आप सबको बहुत पसंद आते होंगे, और अगर अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।